ऐसी वाणी बोलिए मन का वापा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का वापा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो, आपो शीतल हो। कबीर बेशक संपूर्ण भारतीय परंपरा में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नामों में से एक है। उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में से एक उनके नाम पर रखा गया है, क्योंकि वे संसार भर में रहस्यवादी तथा धर्म सुधारक के रूप में माने गए हैं, चाहे वे हिंदू भक्त हों या मुसलमान भक्त। कौन थे ये साधारण से व्यक्ति जिन्होंने एक दिन धार्मिक धारणाओं के एक सच्चे आंदोलन का उद्घाटन किया? यहाँ इतिहास दंत कथा के साथ घुल मिल सा जाता है और कबीरदास के जीवन से संबंधित बहुत कम ठोस सामग्री उपलब्ध हैं जो स्पष्ट और पक्के कहलाए जा सकते हैं। फिर भी इतना माना गया है कि संत कबीर संसार में प्रकट हुए मनुष्य रूप में, और उनका निवास स्थान था बनारस, जो हिंदुओं की पावन नगरी कहलाती है, पर जो उस वक्त मुस्लिम शासन के अधीन थी, ठीक उसी तरह जिस तरह पूरा उत्तर तथा मध्य भारत था। संत कबीर के जीवन संबंधी तारीखें भी अनिश्चित सी हैं, परंतु इतना जरूर ज्ञात है कि कबीर जी 15वीं शताब्दी के थे, एक ऐसे समय में जब पूरा भारत कुछ ऐसे महान मनीषियों की कविताएं तथा उनके गहरे दर्शन की लय पर थिरक रहा था, जिनमें से रूमी जैसे अमर दार्शनिक कवि भी थे। संत कवि कबीर जी के जन्म से संबंधित जानकारियां भी कुछ अनिश्चित से हैं, और ये भी इतिहास से ज्यादा दंत कथाओं पर आधारित है। एक लोक कथा अनुसार शिशु कबीर को एक जुलाहा दंपति ने बनारस के लहर तालाब में पानी में बहता हुआ पाया। इन्होंने ही बालक कबीर को अपनाया, उसका लालन पालन किया और उसे अपनी कला और हुनर सिखाया। ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 में सत्यलोक से आकाश मार्ग के द्वारा सद्गुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव काशी के लहर तालाब में कमल के पुष्प पर बालक रूप में हुआ था। सद्गुरु कबीर साहब का आगमन के विषय में यह साखी प्रसिद्ध ही है कि गगन मंडल से उतरे सतगुरु पुरुष कबीर, जल जमाही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। कबीर साहब का पालन के विषय में प्रश्न उठता है कि कबीर साहब का पालन किसने किया, तो हमारे ग्रंथों में आता है कि गौरी शंकर ब्राह्मण और सरस्वती देवी ये दोनों उनके पालन करता हुए। तो यही बात है कि गौरी शंकर का धर्म परिवर्तन हो जाने के कारण उनका नाम नीरू पड़ा और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती देवी का नाम नीमा पड़ा। सद्गुरु कबीर साहब ने पहले ही
इन दोनों का उद्धार करने के लिए वचन दिया था, इसी कारण से इनको दर्शन दिए। बहुत जल्द बालक कबीर प्रसिद्ध वैष्णव तपस्वी तथा महान गुरु स्वामी रामानंद के शिष्य बने। स्वामी रामानंद उस समय उत्तर भारत में धार्मिक पुनरुद्धार का प्रसार प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में स्वामी रामानुज ने किया। ये तो कथित ही है कि रामानंद के शिष्य बनने के लिए युवा कबीर बनारस के पंच घाट पर पहुंचे, जहां स्वामी रामानंद जी नित्य स्नान पूजा आदि के लिए जाया करते थे। वहां कबीर ऋषि से विनती करते हैं कि वे उन्हें अपने शिष्य के रूप में अपनाएं। कबीर की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर रामानंद जी ने अंत में कबीर को शिष्य के रूप में अपनाया और उनके साथ साथ अन्य सामाजिक वर्ग के शिष्यों को भी अपनाया। स्वामी रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट में प्रतिदिन जाया करते थे स्नान आदि के लिए। सद्गुरु कबीर साहब पंचगंगा घाट की पहली सीढ़ी पर एक छोटा बालक का रूप धारण करके लेट गए। स्वामी रामानंद जी कबीर साहब को उठा करके बोले, राम राम कहो बालक, रोवो मत। यही कबीर साहब की गुरु दीक्षा हो गई। उसी समय से सद्गुरु कबीर साहब धर्म सम्राट स्वामी श्री रामानंद जी के आश्रम में निवास करते हुए धर्म का प्रचार करने लगे। उसके बाद कबीर जी की जीवन कहानी, जो अस्पष्ट ही सही, एक ऐसी दिव्य प्रेम कहानी के रूप में दर्शाई गई है, जहां एक मनुष्य रूपी भक्त ईश्वर भक्ति में इस कदर लीन होते हैं कि अंत में उन्हीं में समा जाना चाहते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। सद्गुरु कबीर ने कभी भी ऋषि मुनि का चोला धारण नहीं किया। उन्होंने ना ही जप तप में अपने शरीर को गलाया, ना ही इस संसार का त्याग किया। सभी कथाएं यही दोहराती हैं कि संत कबीर ने स्वयं संसार में निवास करते हुए ही, संसार का अंग होते हुए ही दिव्य प्रेम का गान किया। परंतु कबीर शायद अशिक्षित ही रहे, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी कुछ लिखा नहीं। ये तय है कि संत कबीर ने अपने पीछे कुछ भी लिखित नहीं छोड़ा और वे स्वयं कहते हैं, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। उनके बोल, उनकी बानी या फिर उनकी अन्य रचनाएं जो उन्होंने जीवन भर सूत काटते हुए गाया, उनके शिष्यों द्वारा संकलित किए जाते रहे और बाद में लिखित रूप में प्रकाशित हुए। उनकी गाई हुई रचनाएं आज भी पूरे भारत के लोक जीवन में भली भांति जिंदा है
और हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा गाए जाते हैं। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, अब तो सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, भाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरा पढ़े सो पंडित होए। जाहिर है कि ऐसे वक्तव्य को कम ही लोग स्वीकार करेंगे, अतः बहुत सारे लोगों को कबीर जी की बाणी और दोहे वार जैसे लगने लगे। सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सार्वभौम है। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जीवन को किसी का भार मत बनाओ, अपने पैर पर खड़े रहो और पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ो। कबीर साहब कहते हैं अपनी बाहुओं का बल करो, परिश्रम करो। कबीर साहब ने कहा कि श्रम ही ते सब होत है, जो कोई राखे धीर, श्रम से खोदत कूप ज्यो पल में प्रगटे नीर। कबीर साहब कहते हैं कि श्रम करो तो सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे जीवन की यात्रा के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। कभी कभी हिंदुओं और मुस्लिमों को भाईचारे के एक सूत्र में बांधने के प्रयत्न में लगे रहे, इस तरह उन्होंने एक सार्वभौम धर्म की नींव भी रखी। वे भिन्न भिन्न धर्मों के अलग अलग तत्वों को व्यवहार में लाते रहे, ये कहकर कि ईश्वर एक है। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु। सतगुरु कबीर की शिक्षा को सिखों ने भी बहुत सराहा है और इन्होंने अपने मौलिक गुरुओं में गुरु नानक के साथ साथ सद्गुरु कबीर को भी शामिल किया है। इस तरह सिखों ने अपने पूजनीय गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी के लगभग 500 कविताओं को शामिल किया है। वैसे भी सद्गुरु कबीर कहते हैं कि वो धर्म जो प्रेम पर आधारित नहीं, वो सिर्फ मतभेद है। कबीर जी जाति, वर्ण और धर्म के भेदभावों को भी जीवन भर नकारते रहे और मानव जाति की पूर्ण समानता का पाठ सबको पढ़ाते रहे। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जही रुचे, सीस दे ले जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे सदगुरु की शरण में जाओ
कि जिसके अंदर लोभ ना हो। अगर लोभी हो जाएगा कोई तो वास्तविक में वो सदगुरु है नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने लक्षण बता दिया कि जिसके अंदर लोभ ना हो, मोह ना हो, भ्रम ना हो, वही सदगुरु हो सकता है। तो ऐसे सदगुरु की शरण में जाओगे तो तुम्हारा संसार का बंधन जरूर छूट जाएगा। इसी प्रकार सदगुरु का लक्षण कबीर साहब बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार की आसक्ति का त्याग करे, संसार से ऊपर रहे, वही वास्तविक में सदगुरु है। कबीर साहब ये कहते हैं कि जहाँ भी हो कर्तव्य का पालन करो, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है कि आसक्त मत रहो, क्योंकि ये छूटने वाला है। इसीलिए कबीर साहब उदाहरण बताते हैं, संसार फूल से मर का सुगना देख लुभाया, मारे चोंच निकस गई रुई सिर धुनि धुनि पछताया। कबीर साहब कहते हैं ये संसार कैसा है, सेमर का फूल की तरह से है। सेमर का फूल बहुत सुंदर होता है, लाल वर्ण का होता है। लाल वर्ण का सुंदर फूल को देख करके सुग्गा ने सोचा इतना सुंदर फूल है तो इसका फल कितना स्वादिष्ट होगा। ऐसा सोच करके वो वहीं उसकी प्रतीक्षा करता हुआ निवास करने लगा। और जब सेमल का फूल झड़ा, फल लगा और पक गया, तब उसको चोंच मार करके देखा कि अब खाऊंगा, तो उसमें से रुई निकल गई, सूखा निरस। तो सुग्गा सिर धुन धुन करके पछताया कि ओहो, कितने समय से मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन इसमें रस तो है ही नहीं, खाने योग्य है ही नहीं। इसी प्रकार ये संसार है, मानव या समस्त जीव सोचता है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन संसार निरस है। अंत में निराशा होकर के ही संसार को छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, संसार के सुख दुखों का भोग करो, लेकिन आसक्त मत रहो। कहता तो बहुत मिला, कहता मिला न को, कहता तो बहुत मिला, कहता मिला न को। मृत्यु के मुद्दे को संबोधित करते हुए चाहे जो भी तर्क क्यों न अपनाया जाए, वो मानव मनोव्यथा को कम नहीं कर पाता, क्योंकि मौत के सामने आज भी मनुष्य लाचार खड़ा है। मृत्यु विषय पर तर्क करते हुए सद्गुरु कबीर मानव को आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनके लिए मृत्यु एक जीवन से दूसरे जीवन तक का सिर्फ एक सफर ही नहीं, बल्कि सभी जन्मों का अंत है। उनके लिए मृत्यु जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति है, जिसे हम मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है शाहनशाह।
और कबीर जी के अनुसार मृत्यु में हर आदमी अकेला होता है। कबीर मानव आत्मा के प्रतीक के रूप में हंस का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक दिन हंस जीवन रूपी ताल को छोड़कर हमेशा के लिए उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, दो दिन का दर्शन मेला, दो दिन का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला दो दिन का दर्शन मेला। शरीर में आसक्त रहने वाला ये जीवात्मा सोचता है कि और रहूँगा संसार में, और रहूँगा, लेकिन एक दिन प्राण पवन उड़ जाता है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन ये संसार में जो भी धंधा करते हैं लाभ कमाने के लिए, वो सब असार है। धन मिला छूट गया, परिवार मिला छूट गया, जो भी मिलता है सब छूट गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कबीर साहब हिंदू धर्म की आकांक्षाओं के विरुद्ध जाते हुए वाराणसी नगरी को त्याग देते हैं, उस नगरी को जहां हर हिंदू अपनी आखिरी घड़ी में प्राण त्यागना चाहता है। कबीर साहब मगहर नगरी में पहुंचते हैं, जो हिंदू शास्त्र मुताबिक शापित जगह कहलाती थी। एक कथन अनुसार कबीर जी के निधन के बाद उनके हिंदू और मुस्लिम चेलों में विवाद छिड़ गया कि शरीर का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए और किसके द्वारा किया जाए। हिंदुओं ने उन्हें चिता पर ले जाना चाहा, जबकि मुसलमान चेले उन्हें दफनाना चाहते थे। तभी आवाज आती है कि कफन उठाओ और देखो कि सत्य क्या है। सचमुच शरीर पर से चादर उठाने पर चेलों ने देखा कि कबीर जी के शरीर के बजाय वहां सिर्फ पुष्पों की एक ढेर रखी हुई थी। उन पुष्पों को कबीर शिष्यों ने दो हिस्सों में बांटा और भाई भाई की तरह हिंदुओं ने एक हिस्से को जलाया और समाधि बनाया, जबकि मुस्लिम चेलों ने दूसरे हिस्से को दफनाया और मजार बनाया। कैसा मार्मिक निष्कर्ष है किसी मानव जीवन का। कबीर अंत में संसार के सबसे महान कवियों और दर्शन शास्त्रियों की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं, इसलिए कि उन्होंने दो प्रमुख धर्मों की सबसे खूबसूरत सिद्धांतों पर अपनी कविताओं की रचना की और उनके मौलिक मूल्यों का गायन किया, जो सद्भाव, प्रेम और एकता पर आधारित है। आवे करनी का धन कछु काम ना आवे।